हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणपन बना लेज। तो आज हम देखने वाले हैं कोटक बैंक में बिल पे एंड रिचार्ज का ऑप्शन हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कोटक बैंक में इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है गूगल पर कोटक बैंक, और सबसे फर्स्ट ऐप जो आएगा आपको लॉगिन के लिए उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको यूज़र आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज आएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आएंगे तो आपको बिल पे एंड रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। आज हम इसको समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हमें इससे पेमेंट करने के लिए आपको जाना है अदर्स बिल्स के ऊपर। देख सकते हैं आप, हम आज इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करके दिखा रहे हैं। तो जैसे आप अदर बिल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि बैंक से रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी डालकर सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको जाना है माई बिलर्स के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करके हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। हम जैसे ही माई बिलर्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपने बिलर्स ऐड कर रखे होंगे पहले से ही, आपको उसके ऊपर जाना है। यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, आपको थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है सिंपल, और जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पे, तो पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप इसे मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। तो पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ रही है और यहाँ से आप अपनी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। आप सीधा पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ड्यू अमाउंट आ चुका है, जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट ड्यू होगा ऑटोमेटिकली। ओके गाइस, तो आपको ये अमाउंट चेक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको कंटिन्यू एंड पे के ऊपर एक और बार क्लिक करना है। अब ये देखिए, बिल पेमेंट कन्फर्मेशन पेंडिंग। तो आपकी अभी बिल पेमेंट कन्फर्मेशन पेंडिंग है, आप इसे बाद में जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही इसकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी आपका यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा और वो सक्सेस में चेंज हो जाएगा। तो आपको दोबारा आना है बिल पे एंड रिचार्ज के ऑप्शन में और रीसेंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जाना है इसकी पे इसका स्टेटस चेक करने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। जब ये सक्सेस हो जाएगा तो आप नीचे की ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, ग्रीन कलर में सक्सेस लिखा आ रहा है, तो इस तरीके से सक्सेस हो जाएगा। ओके गाइस, आइए मैं अब आपको सिखा देता हूँ कि आपको बिलर्स कैसे ऐड करने हैं। तो आपको दोबारा बिल पे एंड रिचार्ज के ऑप्शन में आ जाना है और माय बिलर्स के अंदर जाना है। माय बिलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आप माय बिलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऐड बिलर का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको ऐड बिलर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड बिलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी बिलर को आप ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। इलेक्ट्रिसिटी को मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद बिलर डिटेल्स, तो आपकी बिलर डिटेल्स की इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है, BSS राजधानी। उसके बाद आपको CA नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको इसका निकनेम सेट कर देना है कि आप इसका क्या निकनेम रखना चाहते हैं। ऑटो पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटो पे होता रहेगा, और आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद। और ये देखिए आपका बिलर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें बिलर कैसे ऐड करना है और उससे पेमेंट कैसे करनी है। तो ये था हमारा बिल पे एंड चेक का ऑप्शन। अब देखिए, आपने हमने जो अभी ऐड किया था बिलर वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका बिलर डिलीट हो जाएगा। ओके गाइस, आज हमने सीख लिया बिलर ऐड कैसे करना है, बिलर को डिलीट कैसे करना है, और बिलर जो पहले से एडिड है उसका यूज़ करते हुए हमें पेमेंट कैसे करनी है। तो ये था हमारा कोटक बैंक का बिल पे एंड रिचार्ज का ऑप्शन। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।